प्यारे बच्चों, इंग्लिश की आज की इस सीरीज में ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो बुक का सबसे खास सबसे इम्पोर्टेंट लेसन इंडिगो, जिसको लुईस फिशर, जिसको लिखा है लुईस फिशर द्वारा लिखा गया है। और ये इंडिगो इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ एक हिस्टोरिकल चैप्टर भी है। तो आज इस लेसन को बड़े ध्यान से आपको समझना है। मैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक इवेंट जो इस लेसन से रिलेटेड है उसको क्लियर करता चला जाऊंगा और हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। आशा भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि इस वीडियो के देखने के पश्चात आपको यह लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स इस लेसन से रिलेटेड हैं, वे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस लेसन की मेन इवेंट के बाद इवेंट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है चंपारण शेयर क्रॉपर्स। चंपारण शेयर क्रॉपर्स का मतलब चंपारण के बटाईदार। और जैसे कि हम इस लेसन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि चंपारण जो बिहार राज्य का एक जिला है, उस जिले के अंदर अंग्रेज वहाँ के शेयर क्रॉपर्स के द्वारा जबरन इंडिगो की खेती करने के लिए बाध्य किया करते थे। और वहाँ की स्थिति, वहाँ की जो किसानों की दुर्दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। इंडिगो उगाने के साथ साथ किसानों को इसके बदले कुछ नहीं मिलता था। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से किसान इंडिगो की खेती करते थे और इस खेती को किसको हैंडओवर करना पड़ता था? अंग्रेजों को। अंग्रेज इस पूरी की पूरी खेती को ले जाया करते थे और इसके बदले किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या थी जो इस लेसन में हम धीरे धीरे जब इस लेसन को करेंगे तो हमारे सामने कई पॉइंट्स इसमें आएंगे कि जिस खेती पर, जिस जगह पर इंडिगो की खेती को किया जाता था, उस जगह पर दूसरी फसल नहीं होती थी। मतलब दूसरी फसल होने के लिए, दूसरी फसल उगाने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता था। मतलब एक साल, दो साल, तीन साल का काफ़ी दिनों तक का वेट करना था पड़ता। यूँ कह सकते हैं कि वह जगह एक बंजर हो जाती थी, मतलब उस जगह पर दूसरी फसल को नहीं उगाया जा सकता था। तो बड़ी मुश्किल से किसान खेती करने के लिए ज़मीन को तैयार करते थे और ज़मीन तैयार करने के पश्चात 15% ज़मीन पर जो भी उनको बटाईदारों को जो ज़मीन मिलती थी, उस ज़मीन के 15% हिस्से पर इंडिगो खेती करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर, और जो किसान इंडिगो खेती नहीं करता था उस किसान को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके द्वारा फिजिकली, मेंटली टॉर्चर भी किया जाता था और उनके ऊपर केस भी कर दिया जाता था। और जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट कचहरी जितने जो भी कुछ होता था सब उन्हीं के अंडर में होता था। तो कोर्ट कचहरी के अंदर जब किसानों को अपील करनी पड़ती थी तो किसानों को कुछ नहीं मिलता था, बल्कि ऊपर से हर्जाना ही चुकाना पड़ता था। तो स्थिति चारों तरफ बहुत दयनीय थी, पिटिएबल कंडीशन थी। और ये कह सकते हैं कि वो बिहार जो का जो जिला है चंपारण, उस जिले के अंदर लोग अनपढ़, अशिक्षित, सीधे साधे लोग थे और उन लोगों को अपनी खेती के सिवा, अपने काम के सिवा बाकी चीज़ों से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो चलिए चलते हैं मेन इवेंट पर। पहला जो इवेंट है, देखें यहाँ पर चंपारण शेयर क्रॉपर, एक इसमें नाम आते हैं राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला भी चंपारण जिले का ही एक पीसेंट था, किसान था। यह भी अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित था, लेकिन इसने इस समस्या से निदान पाने के लिए पहल की और भरपूर कोशिश करने के पश्चात चंपारण की समस्या को जड़ से उखड़वाने में महात्मा गांधी का सहयोग लिया। तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए क्या करते हैं राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी से कहाँ मिलते हैं? जो एक वार्षिक कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन का मतलब होता है सभा, कन्वेंशन का मतलब होता है सभा या मीटिंग, जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा थी लखनऊ के अंदर 1916 में।
वहाँ पर राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलते हैं, और मिलने के बाद गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराते हैं। अब महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं, और इतनी समस्या जो इसमें क्या नाम है चंपारण के अंदर जो किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं से अवगत होने के पश्चात महात्मा गांधी को आश्वासन देते हैं। लेकिन राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, फिर राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, बताते हैं गांधी जी को अबाउट द प्लाइट के तहत दयनीय है। प्लाइट मीन्स होता है दयनीय, दयनीय का मतलब दुर्दशा, दयनीय दुर्दशा, दयनीय का मतलब जो किसानों की हालत थी, जो किसानों की कंडीशन थी चंपारण के अंदर, उस कंडीशन को बड़ी अच्छाई के साथ बड़े ही खूबसूरत तरीके से महात्मा गांधी के सामने रखते हैं। ये कहते हैं राजकुमार शुक्ला टेल्स गांधी जी अबाउट द प्लाइट मीन्स होता है दयनीय दुर्दशा ऑफ पुअर पीसेंट, गरीब किसानों की, एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के अंदर, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के हाथों में उनकी दयनीय स्थिति है, उसके बारे में महात्मा गांधी को अवगत कराते हैं, यानी कि सारी स्थिति के बारे में अवगत करा देते हैं। अब क्या होता है, लेकिन महात्मा गांधी के पास समय नहीं होता, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत आए थे, और भारत आने के पश्चात पहला उनका एक क्या था, एक सम्मेलन था जिसको उन्होंने अटेंड किया था, वो भी कहाँ पर, लखनऊ में 1916 में। अब राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ला जी निरंतर महात्मा गांधी से संपर्क में रहते हैं, और राजकुमार शुक्ला फिर क्या करते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं, और महात्मा राजकुमार शुक्ला टेनेसिटी प्रसिस्टेंस रिसॉल्व एंड डिटर्मिनेशन इम्प्रेस महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला की जो अटलता है, टेनेसिटी मतलब होता है अटलता, अटलता का मतलब बार बार प्रयास करना, अपनी बात पर अडिग रहना और स्थिर रहना, मतलब अपनी बात से मुकरना नहीं, कोशिश करते हैं बार बार महात्मा गांधी से मिलने की। और प्रसिस्टेंस होता है हठ, अपनी हठधर्मी, हठ का मतलब उन्होंने ठान लिया है कि चंपारण के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दुर्दशा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अत्याचार चल रहा है उसको खत्म करने की उन्होंने ठान ली है, तो उसकी हठधर्मिता से महात्मा गांधी क्या होते हैं, बड़े इंप्रेस होते हैं। और एक होता है उनका रिसोल्व मतलब संकल्प, उनका संकल्प भी है, उन्होंने निश्चय भी कर लिया। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, रिसोल्व मीन्स संकल्प, प्रिस्टेंस मीन्स हठधर्मी हठ, और टेनेसिटी मतलब अटलता। तो महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला की अटलता, हठधर्मिता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय से बहुत ही प्रभावित होते हैं, और इतने प्रभावित होते हैं कि वे राजकुमार शुक्ला की बात को मना नहीं कर पाते, और कहते हैं कि ठीक है भाई, हम आप कहते हैं तो आपकी जो समस्या है उसको एक बार जाकर देखते हैं। तो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, लार्ज इंडियन, लार्ज मतलब बहुत अधिक मात्रा में, मतलब विशाल रूप में, स्टेट मीन्स होता है संपदा, लार्ज इंडियन स्टेट मतलब भारत की बहुत बड़ी संपदा, वर ऑनर मालिक थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की विशाल संपदा के क्या थे, वे मालिक थे, उन्हीं के हाथों में भारत की एक विशाल संपदा थी। वो फोर्स, जो फोर्स क्या करते थे, फोर्स का मतलब जो दबाव बनाते थे, दबाव डालते थे, द इंडियन टेनेंट्स का मतलब बटाएदारों पर, किराएदारों पर, टू ग्रो उगाने के लिए इंडिगो 15% ऑफ लैंड, टेनेंट्स होता है पटाईदार मतलब जो छोटे छोटे पट्टे लेकर जो खेती करते थे उनको पटाईदार बोलते, उनको टेनेंट्स बोलते हैं, कहते हैं टू ग्रो उगाने के लिए इंडिगो 15% ऑफ लैंड, मतलब जो भी किसान जो जिस भूमि पर खेती करेगा उसके 15% भाग पर किसानों को इंडिगो उगानी पड़ती थी। और इंडिगो उगाने की भी क्या कंडीशन थी कि इंडिगो उगाने के बदले उन्हें कुछ मिलना भी नहीं था, और इंडिगो एक अच्छी फसल के रूप में अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या थी किसानों के सामने, एक तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी उस दौरान, 1916 के आसपास की अगर हम बात करें, किसानों के पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, सब कुछ
प्राकृतिक जो संपदा थी, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज थे, उन पर निर्भर रहना पड़ता था। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता था और 15% जो उनकी जमीन होती थी उस पर इंडिगो उगाकर किसानों को, मतलब अंग्रेजों को देना पड़ता था। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है कि जर्मनी डेवलप्स। उसी बीच होता क्या है कि जर्मनी ने क्या था, सिंथेटिक नील की खोज कर दी थी। मतलब जर्मनी के द्वारा सिंथेटिक नील की खोज कर देने के पश्चात अब इंडिगो का जो उत्पादन था वो अंग्रेजों के लिए ना के बराबर था, मतलब प्रॉफिट लेस नहीं था। उनको सिंथेटिक नील से ज़्यादा प्रॉफिट होना पड़ता था क्योंकि सिंथेटिक नील में क्या होता, लेना और बेचना ही था। लेकिन इंडिगो से पहले इंडिगो क्या था, एक रॉ मटेरियल था, फिर इंडिगो से नील को तैयार करने में अंग्रेजों को काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी और काफ़ी खर्च भी करना पड़ता था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे इतने ज्ञानी नहीं थे, इतना उन्हें पता भी नहीं था, तो क्या करते थे जर्मन, यहाँ देखो क्या कहता है, जर्मनी ने डेवलप कर दिया था, आविष्कार कर दिया था, खोज कर दी थी सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक नील की। एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश जो जो मालिक थे, वे क्या कर रहे थे, डिमांड, मांग कर रहे थे कंपनसेशन, मुआवजे की। वे क्या कर रहे थे, कंपनसेशन होता है मुआवजा, में क्या कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे, फॉर फ्रीइंग, फ्री करने के लिए द पीसेंट किसानों को फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। जो 15% का अरेंजमेंट था किसानों के और लैंडलॉर्ड के बीच में, जो एग्रीमेंट था कि अगर किसान खेती करेगा तो 15% जमीन पर उन्हें इंडिगो उगानी पड़ेगी। तो क्या था, अपनी कंडीशन क्या आ गई थी कि अगर कोई किसान 15% जमीन पर इंडिगो नहीं उगाना चाहता तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन अब अंग्रेजों ने किसानों के सामने रख दी थी। लेकिन इस कंडीशन, हाँ एक और चीज़ थी, जो किसान इस कंडीशन को मान रहा था एक अच्छी बात थी, लेकिन जो किसान इस कंडीशन को नहीं मान रहा था उस किसान को अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या था, टॉर्चर भी किया जा रहा था, फिजिकली पनिशमेंट भी किया जा रहा था, उनको पीटा भी जा रहा था। मतलब पुअर पीसेंट्स आर बिटन, पुअर पीसेंट्स बीटे जा रहे थे एंड टॉर्चर्ड, और क्या रखे थे, टॉर्चर भी किए जा रहे थे फॉर नॉट ओबेइंग लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनकी बातों को न मानने के लिए किसानों को पीटा भी जा रहा था और टॉर्चर भी किया जा रहा था। तो यहाँ पर किसान क्या थे, बहुत बड़ी दुविधा में थे, और द्विधा भी उनकी जायज़ थी। जायज़ क्या, बड़ी मुश्किल से खेती हो पाती थी, प्राकृतिक जो सोर्स थे, नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था किसानों को, और जो जमीन होती थी उसको बड़ी मुश्किल से तैयार करना पड़ता था, तैयार करने के पश्चात उस पर इंडिगो उगाना, और उस इंडिगो को अंग्रेज बिना फ्री में ही, बिना कुछ दिए ही फ्री में इसको लेकर चले जाना। तो किसानों की जो मेहनत थी वो सब यूजलेस थी, किसानों के जो बच्चे थे वे भूखे मर रहे थे, वहाँ पर एक भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही थी, और ऐसी स्थिति जो पूरे चंपारण को हिलाकर रख रही थी, पूरे चंपारण के अंदर एक विकट समस्या बन चुकी थी। तो इस विकट समस्या से राजकुमार शुक्ला जैसे व्यक्ति ने निपटने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक पहल की, और इसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी की उन्होंने मदद ली, और महात्मा गांधी को ये सब चीज़ें, ये सब बातें उन्होंने बताई। राजकुमार शुक्ला जी की हठधर्मी और दृढ़ संकल्प निश्चय से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। गांधी जी रीच चंपारण, लेकिन चंपारण पहुंचने से पहले गांधी जी कई मुद्दों पर, सबसे पहले जो उनके जानकार हैं, जैसे राजकुमार शुक्ला जी हो गए, राजकुमार शुक्ला जी तो थे ही थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, जो उस दौरान के एक प्रसिद्ध वकील भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, जेपी कृपलानी जी हो गए, इन कुछ लोगों को महात्मा गांधी जी जानते थे। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार में जाकर क्या किया, गांधी जी एकम्पेंस का मतलब साथ देने के लिए,
शुक्ला टू राजेंद्र प्रसाद सोम। गांधी जी साथ देने के लिए क्या करते हैं, शुक्ला जी को राजेंद्र प्रसाद के होम जाने घर जाने के लिए कहते हैं और दोनों राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि राजेंद्र प्रसाद जी उस दौरान के प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर कई चीज़ों को महात्मा गांधी जी ने कई ऐसी चीज़ों को फेस किया जो असाधारण थी। ठीक है, क्योंकि उस दौरान महात्मा गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, एक जनमानस जो एक उनकी जो प्रसिद्धि थी इस चंपारण के एपिसोड के बाद ही उनकी प्रसिद्धि हुई थी, मतलब वे पूरे भारत में प्रसिद्ध इसी चंपारण के एपिसोड के बाद हुए थे। इससे पहले एक जन साधारण मानस थे, उनको कोई इतना नहीं जानता था, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर उनको कई समस्याओं का कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे इज ट्रीटेड लाइक ए पुअर योमैन, योमैन का मतलब है साधारण लोग, जनमानस सामान्य लोग। इज ट्रीटेड व्यवहार किया गया लाइक जैसे ए पुअर योमैन, एक साधारण व्यक्ति की भांति उसके साथ वहां पर व्यवहार किया गया। क्यों? क्योंकि वहां राजेंद्र प्रसाद जी तो थे नहीं और उनके घर पर उनके रेजिडेंस पर उनके क्या थे, सर्वेंट था, उनका जो चौकीदार कह सकते हैं या उनका जो प्योन कह सकते हैं वो वहाँ पर था, तो वो महात्मा गांधी जी को जानता नहीं था। हाँ, राजकुमार शुक्ला जी को जरूर जानता था और राजकुमार शुक्ला जी के साथ में महात्मा गांधी जी थे, तो राजकुमार शुक्ला जी के साथ में महात्मा गांधी जी के होने से वो जो दरबारी था, वो जो प्योन था, वो उनको भी एक सामान्य किसान मान लेता है और उसके साथ भी वह एक साधारण व्यवहार ही करता है जैसे साधारण लोगों के साथ में व्यवहार होता है। नॉट अलाउड, आज्ञा नहीं दी टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी पीने की भी आज्ञा उसने नहीं दी, और तो और सिट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठने के लिए भी कहा गया। वे दोनों ग्राउंड पर बैठे, मतलब जब वे उनके राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो उनके साथ में एक सामान्य व्यवहार होता है, फिर दूसरी बात उनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता और ज़मीन पर बैठने के लिए कहा जाता है। नॉट एबल टू मीट राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, काफ़ी इंतजार करने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद जी से वे नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर एक आशा से एक उम्मीद से आए थे कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाकर चंपारण की जो स्थिति है उसकी स्थिति का वास्तविक पता लगाया जा सके और उस स्थिति के बारे में डिस्कस किया जा सके। इसी विचार को लेकर महात्मा गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी के पास गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिलते हैं तो फिर वहाँ से हताश होकर क्या होते हैं, वे लीव्स फॉर मुजफ्फरपुर, में क्या मुजफ्फरपुर के लिए चल देते हैं। टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए वे क्या जाते हैं, मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर जे बी कृपलानी जी हैं वहाँ पर, जे बी कृपलानी जी उनको लेने आ जाते हैं मुजफ्फरपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ सर उनको लेकर चले जाते हैं। वहाँ से क्या करते हैं, चंपारण के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। अबाउट इंडिगो पेशेंट्स केस, इंडिगो पेशेंट का जो केस है उसके बारे में। लॉयर्स ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त में, संक्षिप्त मतलब विस्तार पूर्वक उसको बताते हैं गांधी जी को वहाँ के जो लॉयर्स हैं विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताते हैं, चंपारण एपिसोड के बारे में सब कुछ बताते हैं, सारी डिटेल लगभग वहाँ से गांधी जी को प्राप्त हो जाती हैं। एंड लेकिन एक चीज़ और भी होती है, एंड और आर चाइडेड, क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, चाइडिन मीन्स होता है डांटना, धमकाना। अब महात्मा गांधी जी इन लॉयर्स को क्यों डांटते हैं, क्योंकि वे गरीब पुअर पीसेंट्स हैं और उन पुअर पीसेंट से अगर पुअर पीसेंट कोई केस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ करता है तो उनसे एक भारी भरकम फीस वसूली जाती है। कौन वसूलते हैं, वहाँ के लॉयर्स। इसलिए महात्मा गांधी जी वहाँ के लॉयर्स को क्या करते हैं, चाइडेड करते हैं, डांटते हैं, बाय हिंग फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, अधिक फीस लेने के आरोप में या अधिक फीस लेने के वजह से महात्मा गांधी जी उन लॉयर्स को डांट लगाते हैं। और डांट लगाने के बाद आगे फिर क्या होता है, गांधी जी रीच चंपारण। अब गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी वास्तव में चंपारण पहुँच जाते हैं और चंपारण जब वे पहुंचते हैं यहाँ पर, वहाँ की स्थिति को देखकर उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त धक्का लगता है। ही सॉक्ड,
व्हेन ही सी द पुअर कंडीशन ऑफ द पीसेंट्स, वहाँ की जो गरीब स्थिति थी, किसानों की जो स्थिति थी उसको देखकर वे क्या करते हैं, उनको एक धक्का लगता है और वहाँ के लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि आश्वासन भी देते हैं, विश्वास भी देते हैं कि महात्मा गांधी जी अब वहाँ के किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरना नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरना नहीं है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी कंपनसेशन, कोई भी मुआवजा नहीं देना है और न ही कोर्ट के लिए या किसी चीज़ की मांग के लिए या किसी चीज़ के डर से उनकी कोर्ट में जाकर उनसे मिलना है। क्या कहते हैं मीट सेक्रेटरी, अब क्या करते हैं महात्मा गांधी यहाँ से, मीट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। महात्मा गांधी जी अब चंपारण के लोगों को उस स्थिति से मुक्त करने के लिए जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे उनके जो सेक्रेटरी है उनसे जाकर मिलते हैं, गेट्स नो इन्फॉर्मेशन और उन्हें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, अब वे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अधिकारी है उनसे जाकर मिलते तो हैं लेकिन उन्हें वहाँ से उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी या किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। और तो और क्या कह दिया जाता है, एंड कॉल्ड हिम आउटसाइडर, और उनको ये पुकारा जाता है कि तुम तो बाहर के व्यक्ति हो, चंपारण के निवासी नहीं हो, इसलिए तुम्हें चंपारण के किसानों की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपनी इस जो लीगल प्रोसेस है किसानों को इंडिगो से या वहाँ की जो कंडीशन है उस कंडीशन से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी एक लीगल प्रोसेस से वन स्टेप से अनदर स्टेप, अनदर स्टेप से अनदर स्टेप, मतलब एक लो लेवल से अपनी कार्रवाई को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, प्रोसीड्स टू विजिट ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन, प्रोसीड्स मतलब आगमन होता है, टू विजिट ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने का क्या होता है, उनका मौका भी मिलता है या आगमन भी होता है, ऑफ द टरहट डिवीजन, टरहट डिवीजन का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कमिश्नर था उससे मिलने, उससे में मिलते भी हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि वे एक प्रोसेस से, एक लीगल प्रोसेस से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं लेकिन जैसे ही टरहट के कमिश्नर से वे मिलते हैं उनको क्या करते हैं, वहाँ से धक्का मारकर बाहर भगा दिया जाता है और क्या कहा जाता है, एंड आस्क्ड टू लीव द डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ तक धमकाया जाता है कि जितनी जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी चंपारण जिले को छोड़कर बाहर चले जाए। क्यों, पहली तो कंडीशन क्या है कि पहली तो बात है कि वे चंपारण के निवासी नहीं है, इसलिए उनको वहाँ से चले जाने के लिए कहा जाता है और वहाँ से क्या कहते हैं, उनको भगाया भी जाता है। लेकिन महात्मा गांधी जी खुद एक लॉयर हैं, खुद एक वकील हैं, वे लीगल प्रोसेस को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी जी क्या है, डरते नहीं हैं और चंपारण के निवासियों का, जितने भी चंपारण के लोग हैं, किसान हैं, उन सबको अपना साथ देने के लिए कहते हैं विश्वास दिलाते हैं कि भाई ये जो लड़ाई है यह अकेले एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। अब चंपारण के निवासी एक इमोशनल सहानुभूति के रूप में या इमोशनल कह सकते हैं महात्मा गांधी के साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पहला कारण, एक तो महात्मा गांधी जी चंपारण के निवासी नहीं है, दूसरा ये उनकी खुद की लड़ाई नहीं है, बाहर के व्यक्ति होने के बावजूद, उनकी लड़ाई ना होने के बावजूद भी वे चंपारण के निवासियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हैं और चंपारण के लोगों का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, डरते नहीं हैं। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डराती भी है, धमकाती भी है, लेकिन महात्मा गांधी जी बिल्कुल भी नहीं डरते। इस चीज़ से प्रभावित होकर, इस बात से प्रभावित होकर चंपारण के जो निवासी हैं वे महात्मा गांधी जी का साथ देने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अब देखो हो यहाँ पर क्या आते हैं, रीच मोतिहारी गेट ए नोटिस, अब क्या करते हैं, मोतिहारी पहुंच जाते हैं और एक नोटिस प्राप्त करते हैं। कैसा नोटिस प्राप्त करते हैं, टू लीव चंपारण, कि चंपारण को छोड़कर भाग जाए, चंपारण को छोड़ने के लिए एक लीगल नोटिस प्राप्त करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी मैंने बताया कि लॉयर थे, वे लीगल प्रोसेस को अच्छी तरह जानते हैं, डिसोबे द ऑर्डर, कि
जो आदेश है उसका उल्लंघन करने के आरोप में क्या करते हैं, हमें एक नोटिस प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्ट ट्रायल कॉल्स इट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब क्या कहा जाता है इसको, उल्लंघन कहा जाता है, ड्यूटी का उल्लंघन कहा जाता है। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके आदेश का उल्लंघन माना जाता है, और उस आदेश का उल्लंघन, क्योंकि पहले भी, उससे पहले भी महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने के लिए आदेश मिल चुका था, लेकिन महात्मा गांधी जी चंपारण को छोड़कर नहीं जाते हैं। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लीगल नोटिस भेजता है कि तुमने जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसी के जुर्म में आपको क्या करते हैं, जेल की धमकी दी जाती है। बट ही इज कंपेल्ड टुवर्ड्स द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब उनको जो उनकी कंपेल्ड मीन होता है मजबूर, कॉन्शियंस होता था विवेक। क्या होता है, उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया जाता है, लीगल नोटिस के माध्यम से उनको जेल में डालने का आदेश पारित कर दिया जाता है कि आपको या तो चंपारण छोड़कर चले जाएगा, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी बिल्कुल भी नहीं डरते, और वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहते हैं ठीक है मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई जेल जाने से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने चंपारण के निवासियों को आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति है अत्याचार वाली जो नीति है उससे मुक्ति दिलाने के लिए वे ठान लेते हैं। अब जैसे ही चंपारण के लोगों को इस बात का पता चलता है कि महात्मा गांधी को जेल हो गई है, तो चंपारण के प्रत्येक नागरिक, छोटा बड़ा जितने भी लोग हैं, सब चंपारण की जो जेल है वहाँ की, उस जेल के सामने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उस भीड़ को देखकर, जो लोगों का जमावड़ा होता है उस जमावड़े को देखकर, उस भीड़ को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पैर फूल जाते हैं। और हाथ पैर फूलने के बाद हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस भीड़ को वहाँ से हटाने का, भगाने का पूरा प्रयत्न करती है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें सफल नहीं हो पाती। अंत में महात्मा गांधी की मदद ली जाती है, और महात्मा गांधी से पूछा जाता है कि कहा जाता है कि ठीक है जो भी आपकी कंडीशंस हैं, हम सारी कंडीशंस आपको मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये जो भीड़ है इसको आप यहाँ से हटाइएगा। अब महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, देखो जब ये सब प्रोसेस चला हो जाता है, रिसीव ए लेटर, एक लेटर प्राप्त करते हैं फ्रॉम मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट का एक लेटर प्राप्त करते हैं दैट द केस इज बींग ड्रॉप्ड सिविल डिसओबीडियंस एंड ट्रम्प मीन्स होता है विजय, जीत। गांधी जी क्या थी, अपॉइंट क्या कहती है, महात्मा गांधी की क्या थी, एक जीत होती है, एक मजिस्ट्रेट से वहाँ पर लेटर आता है कि ठीक है भाई आप जो कहते हैं हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो भीड़ है इसको हटाइएगा यहाँ से। अब महात्मा गांधी जी के लिए क्या थी, एक बहुत बड़ी जीत थी। अब महात्मा गांधी जी को कैसे अपॉइंट किया जाता है, महात्मा गांधी को इज अपॉइंटेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव पीसेंट, मतलब महात्मा गांधी जी को जो किसान थे उनका एक प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है, और कहा जाता है कि ठीक है आपको जो भी मांगे हैं, जो भी आपके शर्तें हैं वो आप हमें बता दीजिए, हम आपकी सारी शर्तों को सुनते हैं, अगर जायज होगी तो माना भी जाएगा। सारी शर्तों को मान लिया जाता है, सारी शर्तें ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती है। सारी शर्तों का मतलब पहली जो कंडीशन थी, कई कंडीशंस उसमें होती है, अगर मैं वन बाय वन सारी कंडीशंस को गिनवाऊँ तो पहली कंडीशन को हम मान के चले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों को परेशान नहीं करेंगे, कोई कंपनसेशन मतलब मुआवजा नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, किसान जो जमीन बो रहा है उस जमीन का वह खुद मालिक होगा, कई तरह की जो कंडीशंस हैं, कई तरह की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक शर्त बच जाती है। क्या बच जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन, जो मुआवजा लिया था, जो मुआवजा वसूला था, उस मुआवजे को 25% ही रिटर्न करने के लिए यस करते हैं, पूरा मुआवजा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, लेकिन महात्मा गांधी जी इस बात को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और महात्मा गांधी जी 25% जो रिफंड है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ने जो बाय फोर्स जो जबरदस्ती करके वसूला था उसका 25% ही किसानों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सारी बातों को मान लिया जाता है। इस प्रकार महात्मा गांधी जी एक लंबे संघर्ष के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट से चंपारण के लोगों को आज़ादी दिलाते हैं,
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार थे उससे मुक्ति दिलाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी टैक्स की, जो कंपनसेशन की, उससे छुटकारा दिलाते हैं। और ये चंपारण की और चंपारण के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। और ये उनकी भी जीत नहीं मानी जाती, ये महात्मा गांधी की भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि महात्मा गांधी इस जीत को, जैसे पहले भी हमने सबसे पहले पॉइंट में जिक्र किया था, 1916 में मुझे लखनऊ के अंदर जब उन्होंने एक सभा में भाग लिया था, तो उन्होंने अपनी उस सभा में अपने विचार रखे थे कि अंग्रेजों को अगर भारत से भगाना है तो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इनकी बात को नकार दिया गया था। और अब महात्मा गांधी जी के सामने एक चैलेंज आ गया था, जिस चैलेंज को उन्होंने बखूबी चंपारण के अंदर स्वीकार करते हुए चंपारण को अपने अहिंसा और सत्य के हथियार से इस केस को जीता। ये कह सकते हैं इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ बिकॉज ही वॉन दिस एपिसोड विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। सत्य और अहिंसा के रास्ते से उन्होंने एपिसोड जो था, ये जो जो इनका संघर्ष था, स्ट्रगल था, उसको उन्होंने जीता था। इसलिए महात्मा गांधी इस चंपारण के एपिसोड के बाद पूरे भारत के अंदर फेमस हो गए थे। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किसानों को उनके हक की बात, उनके हक के फेवर में संघर्ष करते हुए एक जीत हासिल की है। चंपारण के फेवर में महात्मा गांधी जी ने लगभग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष लड़ते जीत हासिल कर भी ली थी और संतुष्ट भी थे। लेकिन महात्मा गांधी जी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, संघर्ष अभी और भी बाकी था। लड़ाई लड़नी थी अशिक्षा के खिलाफ, लड़ाई लड़नी थी अस्वस्थ के खिलाफ, लड़ाई लड़नी थी जो वहाँ की जो चंपारण के जो लोग थे उनकी मूलभूत सुविधाएं के फेवर में। अभी बहुत संघर्ष था। तो ये संघर्ष महात्मा गांधी जी ने जारी रखा। और महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एम्स टू इम्प्रूव सोशल एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ चंपारण की जो आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति थी उसको सुधारने का महात्मा गांधी जी ने बीड़ा उठा लिया था, उसको सुधारने का महात्मा गांधी जी ने अब ठान ली थी। अब होता क्या है, महात्मा गांधी जी, मैंने बताया था इस चंपारण के एपिसोड के बाद महात्मा गांधी जी भारत के अंदर फेमस हो गए थे। तो इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी जी के अनेक शिष्य बन गए थे। और महात्मा गांधी जी के वे शिष्य चंपारण की स्थिति को सुधारने के लिए अग्रसर होकर काम भी कर रहे थे। उन्हीं एक शिष्यों में से एक अंग्रेज भी था जिसका नाम था फ्रियर एंड्रयू। ये महात्मा गांधी जी के बहुत पक्के अनुयायी बन गए थे, बहुत पक्के शिष्य थे। और महात्मा गांधी जी से आग्रह कर रहे थे कि मुझे चंपारण की सेवा करने का मौका दी जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इनकी सेवा लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। क्यों, ये चाहते थे कि भारत के लोग अपने बलबूते ही अपने अंदर इम्प्रूव करें, अपने अंदर सुधार करें। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी व्यक्ति की मदद लेने से मना कर दिया था। लेकिन हाँ, इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा बाई, गांव वाले लोग थे जो, और भी बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्यों में इनका नाम आ जाता है महादेव देसाई, नरहरि पारिख, और भी बहुत सारे शिष्य थे। इन सब लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में महात्मा गांधी जी की हेल्प की। टेकन इनिशिएटिव्स इन इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विस बाय इन्वॉल्विंग वॉलेंटियर। वॉलेंटियर मतलब इनके जो शिष्य थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स के माध्यम से इन्होंने किया, इम्प्रूव किया, सुधार किया हेल्थ सर्विस में, एजुकेशन में। और देखो यहाँ पर टीच विलेजर्स, इन्होंने क्या किया, विलेजर्स गांव वाले को पढ़ाया भी। यहाँ पर देखो, यहाँ एक चीज मैं रिवर्स जाता हूँ, इम्प्रूव करने में स्वास्थ्य
की जो स्थिति थी उसको सुधार करने में इन्होंने लगभग 6 गांव के अंदर डिस्पेंसरीज खोली और उनके अंदर जो उस दौरान की जो सुविधा थी, जो दवाई की मेडिसिन की सुविधा थी, वो उन्होंने अरेंज भी कराई। आगे बढ़ते हैं, टीच विलेजर्स गांव वालों को उन्होंने पढ़ाया। इनकी पत्नी महादेव देसाई और भी बहुत सारे शिष्य थे, उन सब लोगों ने वहाँ के लोगों को पढ़ाया, एजुकेशन दी। अबाउट क्लीनिनेस, किसके बारे में पढ़ा, स्वास्थ्य के, साफ सफाई के बारे में पढ़ाया। हाइजीन, हाइजीन मतलब जो स्वास्थ्य विज्ञान होता है, हाइजीन का मतलब जो स्वास्थ्य विज्ञान होता है उससे, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा। टू बी सेल्फ रिलियंट, सेल्फ मतलब आत्म, रिलियंट मतलब आत्मनिर्भर बनाया, और उन सबको क्या किया, आत्मनिर्भर बनाया, एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र भी बनाया। वॉलेंटियर्स ने वहां के लोगों को सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में पढ़ाई, उनको लोगों को समझाया और पढ़ाया। और महात्मा गांधी जी ने क्या समझाया, देखो महात्मा गांधी जी ने सो द फियर स्ट्रैकन, स्ट्रैकन मीन्स एक डर था, ऐसा डर जो वहां के लोगों के उसमें क्या था, बहुत गहराई से बैठ गया था, मतलब चोट खाए हुए जो वहाँ के किसान थे उनको क्या गया, दैट दे आर फ्री, कि वे आज़ाद हैं, स्ट्रांग एनफ और काफ़ी शक्तिशाली भी है टू विन, है टू विन, जीतने के लिए बैटल्स, युद्ध को, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, और अन्याय के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए, हड़ताल करने के लिए कहवे अब आज़ाद हैं, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, और उनके खिलाफ में स्ट्राइक के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से वे अब क्या कर सकते हैं, अपनी आज़ादी को हासिल कर सकते हैं, मतलब में अब वे फ्री हैं। इस तरह का आश्वासन महात्मा गांधी जी ने वहाँ के जो किसान थे उनको दिलाया। और यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ मैंने कहा ना महात्मा गांधी जी का ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा एक ये टर्निंग पॉइंट बना। गांधी जी सोज फोरसाइट, फोरसाइट मीन्स होता है दूरदर्शी, दूरदर्शिता, मतलब महात्मा गांधी जी क्या थे, दूरदर्शी थे, बहुत दूर की सोचने वाले थे, बियॉन्ड, मतलब उनकी जो सोच थी कि इसमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, राजनीति और आर्थिक समस्या के समाधान के लिए भी एक दूरदर्शी थे, बहुत दूर, बहुत पहले उसका अनुमान लगा लेते थे और किस तरह से किस समस्या का हल होना चाहिए, करना चाहिए, इस तरह की वे बहुत पहले अनुमान लगा लेते थे, मतलब महात्मा गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने चंपारण एपिसोड के अंतर्गत, मतलब इंडिगो लेसन को हमने समरी के माध्यम से कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि ये लेसन आपको समझ आया। प्यारे बच्चे, गुजारिश मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।